हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं टेक इन्वेंट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आप लोगों के लिए टेक्नो का कैमन आई 4 का यहाँ पे एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसा है ये स्मार्टफोन, किस तरीके से यहाँ पे दिखता है बेसिकली। देख लो बॉक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे टेक्नो 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी। तो यार टेक्नो ब्रांड के साथ यही मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी ब्रांड देती हैं। यहाँ पे नीचे कैमन आई 4 बेस्ट एनी लाइट, यहाँ पे कैमरा डॉट नॉट स्क्रीन, 13 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा कैमन आई 4 यहाँ पे टेक्नो के ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पे देखेंगे कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वही नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर मेड इन इंडिया करके लिखा गया, तो ये बहुत ही अच्छा है यार, मेड इन इंडिया के ब्रांडिंग के साथ आता है। साथ में प्राइसिंग देखेंगे तो 11,499 बट यहाँ पे आपको 8,999 में मिल जाएगा यहाँ पे टेक्नो मोबाइल। तो चलिए बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता है, सबसे पहला है हमारा स्मार्टफोन। तो फिलहाल स्मार्टफोन को साइड में रख लेते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पेपर वर्क हमको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। वारंटी 12+1 यानी कि एक 13 मंथ्स का वारंटी रहता है इसके साथ, तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है। साथ में एक यूज़र मैनुअल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप ऑपरेट करना इसे सीख सकते हैं। साथ ही में एक TPU बैक केस कवर हमको मिलता है इसके साथ। यहाँ पे देखेंगे तो अडाप्टर यहाँ पे मेड इन चाइना का यहाँ पे लिखा गया है। 5V 2A का नॉर्मल स्टैंडर्ड अडाप्टर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में USB माइक्रो USB केबल इसको यहाँ पे चार्ज करने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये था बॉक्स के अंदर कंटेंट। चलिए सबको हटा के मैं मेन डिवाइस को बीच में ले लेता हूँ। ये है हमारा टेक्नो कैमन आई 4 कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइस के ओवरव्यू की। तो यहाँ पे 6.2 इंच का हमको HD+ का डॉट नॉच स्टाइल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और ये जो डॉट नॉच है फ्रेंड्स, ये आता है 16 मेगापिक्सल के AI सेल्फी कैमरा के साथ। तो 16 मेगापिक्सल का AI वाला कैमरा और जो डिस्प्ले है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका, यहाँ पे टेक्नो कैमन आई 4 का। वहीं अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको मिलता है सिम ट्रे, और सिम ट्रे को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आता है, यानी कि 2 सिम कार्ड मेमोरी कार्ड को आप एक ही साथ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं अगर राइट साइड की बात करूँ यहाँ पे फ्रेंड्स हमको पावर बटन मिलता है और वॉल्यूम रॉकर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे के पोर्शन की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीकर ग्रिल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, USB पोर्ट यहाँ पे चार्जिंग के लिए, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm का हेडफोन जैक हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टॉप पोर्शन पे कुछ भी नहीं। वहीं बैक पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 मेगापिक्सल के बोल सकते हैं कैमरे के साथ यहाँ पे आता है। कैमन का यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांडिंग, टेक्नो के भी ब्रांडिंग के साथ, फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पे कॉड एक बोल सकते हैं कि LED फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे 13+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे के साथ यहाँ पे आता है, जो कि यहाँ पे वाइड एंगल और बुके के लिए काम में आता है। 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है वो फ्रेंड्स देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रेनबो फिनिश यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली अगर कलर आता है तो रेनबो टाइप का यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट टाइप हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो बैक पैनल है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट है, बट यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है, जो स्टाइल बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा, एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में पॉप आउट ट्रिपल कैमरा, पॉप आउट मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ ट्रिपल कैमरा, जो कि लुक एंड फील वाइज अगर आप इसे छुएंगे तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे फील होता है फ्रेंड्स। ये तो था हो गया डिवाइस का फिजिकल ओवरव्यू। अब बात करते हैं सेटिंग्स की फ़ोन में कि दिखते किस तरीके से यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स में और अबाउट फ़ोन में जाके हम देखते हैं किस तरीके से ये हमारा फ़ोन यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे 2GB के रैम के साथ आता है, 32GB यहाँ पे स्टोरेज है, 13+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे कि मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स प्रोसेसर मिलता है हमको भी मिलता है वो फ्रेंड्स मीडियाटेक का हीलियो का A22 का प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर है, 4 ही कॉर्टेक्स पे काम करता है, 2 GHz पे, 3500 mAh का बैटरी बैकअप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और साथ ही में एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉयड 9 जो कि पाई आउट ऑफ द बॉक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देख लो यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक ठाक प्रोसेसर हमको देखने को मिल जाता है, जो कि मीडियाटेक हीलियो A22 है। बाकी सब तो चीज़ आप देख ही सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। जो इनका UI है वो है हाई OS का, यहाँ पे वर्जन 4.6 जो कि कुछ इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको बहुत ही कम, ना के बराबर, जो मिलता भी है उसे भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे UI हाई OS वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फ़ोन है वो फ्रेंड्स ठीक ठाक है, बढ़िया ही हमको फिलहाल के लिए देखने को मिल जाता है। 2GB का यहाँ पे रैम है और
रैम मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो फ्री करने के बाद करीबन 700 MB के आसपास आपको देखने मिलता है, यानी कि करीबन आधा GB या फिर उससे 60% तक यहाँ पे यूज़ किया गया, 45 से लेके 50% तक आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के और फेस अनलॉक की, कितना क्विक और कितना यहाँ पे फास्ट देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक एनरोल कर दिया। अब यहाँ पे मैं फ़ोन को यहाँ पे लॉक करता हूँ और यहाँ पे अपना फिंगर प्लेस करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अनलॉक, तो यहाँ पे रखता हूँ और ये देख लीजिए अनलॉक। तो थोड़ा सा टाइम लेता है बट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, रिलायबल है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, बस फ़ोन को लॉक करता हूँ, यहाँ पे टैप और ये यहाँ पे अनलॉक, तो टैप अनलॉक, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स हल्का सा टाइम लेता है बट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं फेस अनलॉक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसे अपने फेस को लाता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए अनलॉक, तो लॉक स्क्रीन आ रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं फेस को नहीं लाया हूँ, अब मैं लाता हूँ यहाँ पे देख लीजिए अनलॉक। तो यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है वो फ्रेंड्स फेस अनलॉक से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। अब वो रिलायबल उतना भी नहीं होगा जितना यहाँ पे बोल सकते कि जो सॉफ्टवेयर के थ्रू, बेसिकली ये तो सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर वाला नहीं है, जितना आप बोल सकते कि सिक्योरिटी के मामले में उतना यहाँ पे सिक्योर नहीं होगा, बट फिर भी 8,999 में आपको फेस अनलॉक मिल रहा है, तो यह बोल सकते कि थोड़ा अच्छी बात ही हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कैमरा की बात करते हैं कि कैमरा किस तरीके से यहाँ पे काम में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं वीडियोज़ में, और वीडियोज़ में देखते हैं तो यहाँ पे ये 1080p तक के वीडियोज़ को यहाँ पे सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। AI कैमरा, ब्यूटी, बुके मोड, AR मोड हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में हमको यहाँ पे वीडियोस में 1080p तक का वीडियो शूट करने को देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे फुल HD के वीडियोस को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक फ़ोटो निकाल के देखते हैं और एक पोर्ट्रेट निकाल लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से मिलता है, और एक दो बैक कैमरे से भी फ़ोटोज़ निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से बैक कैमरे का फ़ोटोज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कुछ सैम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मिलता है ये, तो देख लीजिए फोटोज़ का क्लैरिटी यार वाकई में बहुत ही अच्छा है। ट्रिपल कैमरा के साथ जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स ये आता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पोर्ट्रेट लिया गया था जो कि थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि आउट ऑफ बोल सकते हैं कि कॉन्टेस्ट में ब्लर हो गया है, फिर भी यार अब हम नेचुरल लाइट में देखेंगे किस तरीके से काम में आता है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स बुके इमेज में मैंने फ्रंट कैमरा में लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। देख लीजिए मेरे आगे फ़ोन था, फ़ोन को ब्लर किया है और चेहरे को कितने अच्छे तरीके से इसने बोल सकते हैं कि ग्राब्स किया है फ्रेंड्स। तो आर्टिफिशियल कंडीशन में जाके देखेंगे फ्रेंड्स, बेसिकली आर्टिफिशियल कंडीशन में तो हम बैठे ही हैं, नेचुरल में देखेंगे लाइट में कि किस तरीके से बुके काम करता है, क्योंकि नेचुरल लाइट में बुके और भी ज़्यादा मेरे हिसाब से बढ़िया काम करेगा फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे नॉर्मल फोटो देख सकते हैं कि उस इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देख लीजिए मैं आपको बुके और इसमें फ़र्क दिखा दे, देख लीजिए इसमें फ़ोन को इसने लिया है और इसमें देखिए फ़ोन को ब्लर किया है और मुझे यहाँ पे इसने ग्राफ्स किया है। तो ओवरऑल जो कैमरा है वो फ्रेंड्स डिसेंट काम करता है कैमरे का। इन फ्यूचर हम फुल रिव्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कैमरा काम करता है। ओवरऑल यही है फ्रेंड्स टेक्नो कैमन i4 का यहाँ पे एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू। वीडियो पसंद आया कि नहीं आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। और आपको इसका और क्या क्या चाहिए, आपको इसका कंपैरिजन चाहिए इन्फिनिक्स के S4 के साथ या फिर इन्फिनिक्स के यहाँ पे S3 Plus के साथ, तो वो भी मैं कर दूंगा फ्रेंड्स, या फिर कोई भी फ़ोन के साथ चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और साथ ही में गिव अवे भी रन हो रहा है चैनल पे, तो उसे भी फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर लो। इन्फिनिक्स के S4 का चल रहा है यहाँ पे गिव अवे चल रहा है ईयरफोन का ब्लैकस्टोन के, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लो ना फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर लेना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। बस बने रहिए टेक्निक यूट्यूब चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।